न्यूज सच की किरण। नमस्कार, स्वागत है आपका लेजर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रूबी, और आइए करते हैं खबर की शुरुआत। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन की बैठक, वैसे तो हमारी बैठक प्रतिदिन रूटीन होती है, लेकिन आज भी चुनाव प्रबंधन की हमारी जो बैठक है वो संपन्न हुई है। और बैठक में विशेष तौर पर 7 तारीख को आने वाले जो थर्ड फेज है, फिर 13th को आने वाला जो फोर्थ फेज है, उन लोकसभाओं के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से जो हमारा सूक्ष्म प्रबंधन, ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से हम जो लगातार जिसको कर रहे हैं उसकी एक मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा जो है, तो बेहतर काम हमारी टीम और प्रत्येक लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा की टीम लगातार नीचे तक कर रही है। खास तौर पर मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिन कारणों से मतदान प्रभावित हुआ है, जो मेजर कारण है वो तो कांग्रेस का जो मतदाता जो अपने नेतृत्व से भारी निराशा के वातावरण में है, तो एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है तो वो मतदान केंद्र तक उस निराशा के कारण से नहीं जा रहा, लेकिन और भी कुछ शादियां, भारी गर्मी होने के कारण से भी, तो इसके और प्रबंधन ठीक तरीके से कैसे किया जा सकता है। पन्ना प्रमुख तक हमारा कार्यकर्ता एक्टिवेट होकर के पन्ना प्रमुख की जवाबदारी के साथ कि वो मतदाताओं को निकाले और मतदान केंद्र तक पहुंचाने का आग्रह करें, ये प्रयास हमने इसको और गंभीरता के साथ, अभी हमारी प्रबंधन की टोली लगातार इस पर काम कर रही थी, फिर हमने इस पर और काम करने का प्रयास किया है। सामाजिक लोगों से भी अपील की है कि वो भी अपील करें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की। भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र जो हर लोकसभा में, हर विधानसभा में, प्रत्येक बूथ पर है, 10% वोट शेयर बढ़ाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, उसे पूरा करने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस दिशा में जुटे हैं। इसलिए एक बेहतर प्रबंधन कैसे हो सकता है, आज इस पर हमारी टीम ने समीक्षा की है। और एक बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर लोकतंत्र के महापर्व पर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल, और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, तो दुनिया के देशों के पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन को अध्ययन करने के लिए आए हैं। आज 6 देशों के प्रतिनिधि, आज मेरे साथ भी उनका यहाँ पर बातचीत हुई है, फिर प्रबंधन की टीम के साथ वो बैठे हैं। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का दौरा सागर लोकसभा के सिरोंज क्षेत्र में, आज उनकी रैली है, बड़ी सभा है, उस सभा को भी देखने के लिए वो 6 देशों के प्रतिनिधि, उसमें इजराइल भी है और युगांडा भी है, नेपाल भी है, मॉरिशस भी है, ऐसे 6 देशों के प्रतिनिधि वहाँ भी आज वो रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत के लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े दल को समझने के लिए अन्य देशों के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी देश के अंदर अन्य अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश उसमें प्राथमिकता पर है, यहाँ पर लोग आकर के समझने का काम कर रहे हैं। बूथ प्रबंधन क्या है ये भी वो समझ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी ये आज इतनी विजय लगातार मोदी क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो प्रबंधन का और वर्क का कैडरवेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसे भी वो समझने का प्रयास आज यहाँ पर कर रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा 7 तारीख को धार और खरगोन के अंदर प्रस्तावित है, माननीय प्रधानमंत्री जी पधारेंगे, इसलिए आगामी दोनों फेजों की तैयारी हम ताकत के साथ, और कहीं कुछ करने की जरूरत है उसको कर रहे हैं। और इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को हम पूरा करेंगे। इस बार खजुराहो, इस बार छिंदवाड़ा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी, ये सुनिश्चित हो गया है। और आज जो मैं कमलनाथ जी का बयान पढ़ रहा था, वो कोई वोटिंग वोट परसेंटेज कितना हुआ है, अरे कमलनाथ जी आपका ये बयान सुनिश्चित करता है कि आप चुनाव हार गए। राहुल गांधी की खींच ये सुनिश्चित करती है कि संविधान के अंदर, जिस संविधान के लिए लोगों ने जिस आजादी के लिए बलिदान दिया और इस संविधान का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उस संविधान की कॉपी को लहरा करके और आप झूठ बोलकर देश को गुमराह करने का काम किया है। हमने कंप्लेंट भी की है, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है और हमारा डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से भी मिलेगा कि राहुल गांधी के ऊपर FIR हो। माननीय गृहमंत्री के लिए, हमारे देश के गृहमंत्री के लिए आप इस प्रकार के झूठे शब्दों का उपयोग करना, कांग्रेस केवल झूठ और छल कपट तक सीमित रह गई है। राहुल गांधी जी, यह मध्य प्रदेश है, पहले भी आपको आईना दिखाया है, जहां जहां आपके कदम पड़े थे वहीं बंटाधार हो गया था और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का बंटाधार हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश की जनता तैयार है, आपने जो कृत्य किया इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को भी हमने कहा और FIR करने की भी हमने मांग की है और हमारा डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिलेगा। ये है लेजर न्यूज, सच की किरण।